हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में कुछ आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकारों पर प्रश्न दिए जा रहे हैं और ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस कड़ी में देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है डॉक्टर अवधेश मिश्रा के चित्रण की पहचान करें। विकल्प दिया गया है वंस अपॉन ए टाइम, बीज का श्रृंखला, सारंगी वाला और निराला पुराना शहर। इस प्रश्न का सही उत्तर बीज का चित्र श्रृंखला है। दोस्तों, डॉक्टर अवधेश मिश्रा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में हुआ था और वर्तमान समय में ये लखनऊ में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पेपर सेटर के रूप में भी ये कार्य कर रहे हैं, परिसेवा दे रहे हैं। आइए इस कड़ी में हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कॉल ऑफ यूनिटी किसकी कृति है? विकल्प है मदनलाल नागर, नित्यानंद महापात्र, राजेंद्र प्रसाद और हरिहर लाल मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर नित्यानंद महापात्र हैं। ये उड़ीसा के थे और यहाँ लखनऊ कला विद्यालय से जुड़ गए थे, कला के क्षेत्र में कई वर्षों तक यहाँ सेवा दिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अवनींद्र नाथ जाने जाते हैं चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, छापाकार के रूप में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में सही विकल्प पहला चित्रकार के रूप में है। हालांकि अवनींद्रनाथ टैगोर जो आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, बंगाल शैली के प्रणेता रहे हैं, बड़े प्रतिभा संपन्न थे, लेकिन यहाँ इस विकल्प में पहले विकल्प को वरीयता देंगे। आइए इस कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र सुजाता के कलाकार हैं। दोस्तों, इसे सुजाता में दिया गया है कि ये सुजाता चित्र जो वास्तु पद्धति से बनाया गया है उसके कलाकारों में स्पेशली समकालीन कलाकारों का विकल्प दिया गया है, जिसमें सुखबीर सिंह सिंघल, भवानी चरण गुई, अंजलि इलामेनन, अवतार सिंह पवार का विकल्प दिया गया है। इसमें जो सही उत्तर है वह है अवतार सिंह पवार। आइए इस कड़ी में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसे मोबाइल आर्ट टेलर के नाम से जाना जाता है? विकल्प है सुधीर पटवर्धन, अवतार सिंह पवार, सुनैना देवी, प्रभाकर वर्वे। दोस्तों, इस प्रश्न का भी सही उत्तर अवतार सिंह पवार ही हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला कलाकार हैं। विकल्प है भूरी देवी, नैना देवी, अमृता शेरगिल और सुनैना देवी। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर दिया गया है वो सुनैना देवी हैं और सुनैना देवी बंगाल शैली के प्रणेता अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन भी थी और चित्रकार भी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दृश्य चित्रण के लिए जाने जाते हैं। विकल्प है पी एन चोयल, सुनील दास, एम एफ हुसैन, राजेंद्र प्रसाद
त्या सही उत्तर है सुनील दास, जो बैलों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आधुनिक चित्रकारों में के एस कुलकर्णी भी बैलों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। उन लोग पी एन चोयल को देखे हैं, ये भैंसों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। हुसैन घोड़े के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कला विमर्श पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, जयकृष्ण अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आइए इस कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। मदन लाल नागर जाने जाते हैं, विकल्प है मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, छापाकार के रूप में, रंगमंच कलाकार के रूप में। तो उसका सही उत्तर है चित्रकार के रूप में। तो मदन लाल नागर यहाँ लखनऊ शहर के चित्र के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकारों में ये भी महत्वपूर्ण थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मदन लाल विख्यात हैं चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, संगीतकार के रूप में, कला समीक्षक के रूप में। तो दोस्तों ये मदन लाल ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुए थे और ये विश्वविख्यात मूर्तिकार थे। जबकि मदन लाल नागर अगर पूछेगा तो वो चित्रकार के रूप में थे, ये लखनऊ के थे, लखनऊ कला विद्यालय से जुड़े हुए थे। आइए इस कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है। बंगाल शैली की वास शैली में चित्रण करने वाले अंतिम कलाकार माने जाते हैं। विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, रघुवीर सेन धीर, राजेंद्र प्रसाद, बद्रीनाथ आर्या। इसका सही उत्तर है रघुवीर सेन धीर। ये इस विकल्प में बंगाल शैली में चित्रण करने वाले अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। हालांकि पहले चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। बद्रीनाथ आर्या का जन्म हुआ था, विकल्प है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पेशावर, महाराष्ट्र। दोस्तों बद्रीनाथ आर्या का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। भारत विभाजन के बाद में ये लखनऊ आ जाते हैं और लखनऊ कला विद्यालय से जुड़ जाते हैं और आजीवन लखनऊ के ही चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इनकी सांवरी पेंटिंग बहुत फेमस है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियोलॉजिस्ट कलाकार किसे कहा जाता है। दोस्तों विकल्प है नसरीन मोहम्मदी, सुधीर पटवर्धन, समीर मंडल और अनीश कपूर। इसका सही उत्तर है सुधीर पटवर्धन। दोस्तों सुधीर पटवर्धन ने मेडिकल की शिक्षा ली थी और ये मुंबई में एक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में भी कार्य करते थे और साथ ही साथ इन्होंने कई चित्र भी इनके द्वारा चित्रित किया गया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्त शिल्प क्लाउड गेट किसके द्वारा बनाया गया। विकल्प है नित्यानंद महापात्र, अवतार सिंह पवार, अनीश कपूर और समीर मंडल। इसका सही उत्तर है अनीश कपूर। दोस्तों आज वर्तमान समय में आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनीश कपूर को प्रसिद्धि मिली है। भारत में जन्मे, इंग्लैंड की नागरिकता लिए हैं और इनके कुछ बहुत विवादित मूर्तियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है अतुल डोंडिया का जन्म कहाँ हुआ। विकल्प है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र।
दोस्तों अतुल डोडिया महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र सांवरी किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया? विकल्प हैं राम जायसवाल, सुबोध गुप्ता, सुधीर पटवर्धन, बद्रीनाथ आर्य। इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ आर्य। अभी देखें बद्रीनाथ आर्य पेंटिंग एक ग्रामीण महिला को श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है और यह पेंटिंग इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है और बनारस में भी जो है इसकी एक पेंटिंग संग्रहित की गई है। तो बनारस और इलाहाबाद में दोनों पेंटिंग सांवरी है रखी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बद्रीनाथ आर्य किस माध्यम में कार्य करते थे? विकल्प है तैल रंग, वास, एक्रेडिक और टेम्पेरा। तो इस प्रश्न में सही विकल्प वास पद्धति है क्योंकि लखनऊ कला विद्यालय के से जुड़े हुए थे, यहीं पर शिक्षण कार्य किए और इन्होंने वास पद्धति से चित्रकला की शिक्षा दी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला कलाकार या भारत की पहली महिला चित्रकार का नाम बताइए जो कि एब्स्ट्रैक्ट कला में पारंगत थी। विकल्प है नलिनी मलानी, नसरीन मुहम्मदी, अमृता शेरगिल, सुनैना देवी। तो इसका सही उत्तर है नसरीन मुहम्मदी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों का चित्रण किया है? विकल्प है सुधीर पटवर्धन, नसरीन मुहम्मदी, सुबोध गुप्ता, भारती खेर। तो इसका सही उत्तर है सुधीर पटवर्धन, जो एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करते थे और इनके कई चित्र हैं। एक स्पेशली पोखरण चित्र बहुत महत्वपूर्ण है जो एक लैंडस्केप या दृश्य चित्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पोखरण चित्र किसका है? देखिए अभी प्रश्न इसमें चर्चा हो रही थी पीछे, सुधीर पटवर्धन, बद्रीनाथ आर्य, भारती खेर, अनीश कपूर। इसका उत्तर आप लोगों बताए भी थे कि इस पोखरण चित्र को सुधीर पटवर्धन ने बनाया था। ये पोखरण जो राजस्थान में जहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था उस पोखरण की बात नहीं की जा रही है, ये मुंबई में एक स्थान खाली स्थान था जिधर से सुधीर पटवर्धन अक्सर जाया करते थे और उसका जो प्राकृतिक दृश्य था पोखरण का इनको बहुत ही आकर्षित करता था और इन्होंने उसी प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित किए और उसे शीर्षक दिए पोखरण। आइए हम लोग इस कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। द साइलेंट ऑफ हीरोजन किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? विकल्प है बद्रीनाथ आर्य, राजेंद्र प्रसाद, मनु पारिख, नीलिमा शेख। इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ आर्य, उनके जीवन पर आधारित फिल्म है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वृंदावन की विधवाओं का चित्रण किसने किया? विकल्प है सुनील दास, अर्पणा कौर, नल्ली मलानी, प्रभाकर वर्वे। इसका सही उत्तर है अर्पणा कौर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें। मैसेंजर नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया? विकल्प है रिनी घुमाल, प्रभाकर वर्वे, अंजलि इलामोमन, मोहम्मद सलीम। तो इसका सही उत्तर है प्रभाकर वर्वे, दूसरा विकल्प है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने
धातुवी किवाड़ों पर चित्रण किया। विकल्प है सुबोध गुप्ता, समीर मंडल, अतुल दोडिया, भारती खेर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर अतुल डोंडिया, जो तीसरा विकल्प है अतुल डोंडिया, ये सही है। आइए हम लोग इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। समीर मंडल किस विधा में पारंगत हैं? विकल्प है एक्रेलिक, जल रंग, टेम्पेरा, तैल रंग। इसका सही उत्तर है जल रंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्नों को देखे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य सूचित करिएगा। अगर किसी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तब भी कमेंट करिएगा। और अगर इस वीडियो बनाने के क्रम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। प्रयास करेंगे कि आगे से वीडियो में इस तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।